तो जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि जब एक बोतल में पानी का लेवल ऊपर था तो जिसमें पानी का लेवल ज्यादा था पानी वहां से उस बोतल तक बह के गया जिसमें पानी का लेवल कम था। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नोट करना है वो ये नोट करना है कि जब पानी तभी फ्लो हुआ और तब तक फ्लो हुआ जब तक लेवल सेम नहीं हो गया, यानी कि अगर लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो वाटर का फ्लो नहीं होगा। वो हमने एंड रिजल्ट देखा था उसका एक्सपेरिमेंट का। जब तक लेवल में डिफरेंस होगा, व्हेन देयर विल बी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर, तो देयर विल बी फ्लो इन द वाटर, दैट इज व्हाट वी सॉ। तो एक हायर लेवल पर था, एक लोअर लेवल पर था, प्रेशर का डिफरेंस था दोनों में। तो फ्लो कब हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि व्हेन देयर वाज डिफरेंस इन द प्रेशर, व्हेन देयर वाज डिफरेंस इन द लेवल, देन ओनली फ्लो वाज देयर। तो फ्लो तब हुआ जब डिफरेंस था, है पसंद। अब कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि ये फ्लो जो है या कोई ऑब्जेक्ट मूव करना या हीट का ट्रांसफर होना, लिक्विड का ऊपर से बहना, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड देन वी विल लिंक ऑल दिस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। और फिर जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन फ्लो करवाता है। तो आइए विल क्विकली गो थ्रू इट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, योर देयर इज पॉइंट ए, ये हायर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, यानी एक हाइट पर सिचुएटेड है। अब यहां से मैंने इसको अगर ड्रॉप किया तो ये ग्राउंड तक जाएगा। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ए है वो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर है, ग्राउंड जो है वो लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर है। इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस आ गया, हाइट का डिफरेंस इनमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस दे दे रहा है। तो व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यू कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। ऑब्जेक्ट ए टू बी गिर जा रहा है। कब गिर रहा है? जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस है। अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही टेबल पर रखें एट द सेम हाइट, तो इनमें कोई भी मूवमेंट होगा नहीं, बराबर। क्योंकि क्या होगा, यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये दोनों का ही सेम होगा। तो जब दोनों का ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम होगा तो डिफरेंस का वैल्यू जीरो होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डिफरेंस का वैल्यू जीरो, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अगर जीरो है तो ए टू बी या बी टू ए मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। जब ये डिफरेंस का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा तभी मूवमेंट होगा। हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मूवमेंट तब होगा जब व्हेन देयर विल बी डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमारा बॉटल ए, इसमें जो वाटर है उसका लेवल ज्यादा है, यानी इट इज हैविंग हाई प्रेशर। ये बॉटल बी जो लेवल है वो कम है, इट इज हैविंग लो प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर, प्रेशर प्रेशर का डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस इन द प्रेशर। तो हम जानते हैं जो फ्लो होगा कहां से कहां होगा, ए टू बी होगा, बराबर। टेक्निकल टर्म में बात करें तो ये जो फ्लो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, बराबर। लेकिन हमें क्या पकड़ना है कि ये जो फ्लो हुआ है वो एक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से हुआ है या एक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हुआ है। तो जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो ही फ्लो होगा, मैं बात सुनूंगी किसमें, फ्लूइड्स में, चाहे वो एयर हो चाहे वो लिक्विड हो। अब आते हैं हीट फ्लो के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा चीज है। हीट हमेशा फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी फ्लो करता है। तो यहां पर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। ए हाई टेम्परेचर पर है, बी लो टेम्परेचर पर है। तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बराबर। यहां पर क्या डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर क्या डिफरेंस था, प्रेशर डिफरेंस। यहां पर क्या डिफरेंस था, टेम्परेचर डिफरेंस। और जब जब डिफरेंस था तब तब फ्लो हुआ, मैं बात सुनिए। अगर डिफरेंस नहीं होगा, दोनों ही सेम टेम्परेचर पे होंगे, तो क्या फ्लो होगा, हीट, हीट विल नॉट फ्लो, बराबर। मतलब एक दूसरे में कोई रिलेटिव फ्लो नहीं होगा। अब आके समझना है हमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मान लेते ये एक कंडक्टर है, बराबर। तो कंडक्टर अगर है तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर। तो क्या मैंने ये एक ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे बहने ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, बराबर, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स पर नेग्लिजिबल है, उनके मास उनके साइज की वजह से हम बोल सकते हैं द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑन देम इज नेग्लिजिबल. सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से लेके यहां तक फ्लो होने लगेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. फिलहाल बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करते हैं, मतलब कब फ्लो कर पाएंगे वो. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में करते हैं. एक पॉइंट पर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे पॉइंट पर अगर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के रीजन से लेके वो फ्लो करेंगे कम इलेक्ट्रॉन वाले रीजन पर. इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो. पर ये ऐसा नहीं कि स्लांट रख दिया तो ये स्लांट बन गया तो लगेंगे फ्लो होने, या ऊपर नीचे रख दिया ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया तो ग्रेविटी को अट्रैक्ट करके नीचे लेके आ जाएगा भाई, तो ऐसा फ्लो होगा, ये पॉसिबल नहीं है. बराबर, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं फिर उस पर और बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए जो है एक कंडक्टर है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बी अनचार्ज्ड है, बी इज नॉट चार्ज्ड. बी चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या होगा, वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब उसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, यानी कहीं ना कहीं बी के पास नेगेटिव चार्ज है पर ए इज नॉट हैविंग एनी नेगेटिव चार्ज. बराबर, तो ए और बी को जब हम कंपेयर करेंगे और ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि B is having more electrons. तो भाई यहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होगा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? B रीजन. रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? A रीजन. तो फ्लो विल बी फ्रॉम A टू B. सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल ले, ये पॉजिटिव है पूरा, A पूरा कंडक्टर पॉजिटिव है, B पूरा का पूरा नेगेटिव है. हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? बी के पास है. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगेन इट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए. पर क्या ये फ्लो ऐसे ही होता है? नहीं, ये फ्लो ऐसे नहीं होता. तो हमने ये सारे एग्जाम्पल्स में, साथ में हमारा जो एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल किया, ये सारे एग्जाम्पल में हमने एक ही चीज देखा कि फ्लो तभी हो पा रहा है जब डिफरेंस हो. लेट अस गो टू आवर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बराबर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या देखा कि जब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम एक फील्ड में लेके आते हैं, एक चार्ज के फील्ड में लेके आते हैं, तो वो चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, रिपल्सिव फोर्स. बराबर, तो हमें एक वर्क करना पड़ता है उसे वहां से लेके इंफिनिटी से लेके उस चार्ज तक आने में. बराबर, अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस. आई बात सुनिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए सबको समझना पड़ेगा. अगर ये हमने ये सारी चीजों को समझ लिया तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ जाएंगे. बराबर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आता कैसे है? तो सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है, ये ए बी. बराबर, अब जैसे ही मैं कंडक्टर के एंड को, एंड ऑफ द कंडक्टर एक सेल से कनेक्ट कर दूं, तो ये सेल क्या करेगा? एक साइड को ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट रीजन बना देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है, और एक साइड को ये एक ऐसा रीजन बना देगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे. आया पसंद में? जैसे ही हमने कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो नहीं होंगे. कब फ्लो होंगे? जब मैंने इन दोनों के एंड को एक सेल से कनेक्ट कर दिया. तब वो सेल क्या करेगा? वो सेल इसके एक एंड को, एक एंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देगा, यानी बहुत सारे ज्यादा, एक एंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा जो एंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे. और अगर ऐसा किसी ने बनाता है कि मतलब एक जगह पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बराबर, तो यही काम हमारा सेल करता है. तो मैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस पे आया नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेल है, जो बैटरी है, ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है. कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, यहां पर मालूम है ना, अगर यहां पर मुझे फ्लो कराना, ऊपर रख दिया फिर छोड़ दिया, वो नीचे जाएगा. पानी में प्रेशर डिफरेंस करा दिया तो बह जाएगा.
टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस करा दिया तो अगेन हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग. पर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेल या बैटरी करता है. बराबर, तो एग्जैक्टली क्या काम करता है, एक साइड को, एक एंड को, एक एंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एंड में कम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. बराबर, यही काम करता है हमारा सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. होप दिस थिंग्स आर क्लियर. अगर ये समझ में आया आपको तो आपको ये भी समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो करंट आएगा. बराबर है, अब हम जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस को हम मोर क्वांटिटेटिव टर्म्स में समझेंगे कि एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या. ओके, यू कैन कॉपी दिस.